हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम संतोष पंत है और मैं आपका दोस्त आपको सिखा रहा हूँ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, अपने उन दोस्तों के लिए जो लोग मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग सीखकर इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसे सीखना चाहते हैं। मैंने जैसे कि अभी तक आपको बिगिनिंग से बताया है कि मेडिकल प्रोसेस क्या होता है, इसमें बेसिक चीज़ों को क्या कहा जाता है, अब हम अपने चैप्टर 7 पे आ गए हैं। एक तरह से हमने अपने बेसिक्स को क्लियर कर लिया है और अब हम थोड़ी एडवांस चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे। अब जैसे कि चैप्टर 7 है, इसमें मैं आपको यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस फ्लो के बारे में बताऊंगा कि एक फिजिशियन के ऑफिस में जब हम बिलिंग कर रहे हैं तो चीज़ें किस तरीके से होती है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, ये एक फिजिशियन के ऑफिस से रिलेटेड रिलेशन है इसका, जो मैं अभी आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूँ। हॉस्पिटल के केस में सिनारियो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जैसे कि हम लोग फिजिशियन बिलिंग यहाँ यूएस हेल्थ केयर में, इंडिया में जो आती है ज़्यादातर फिजिशियन बिलिंग हमारे पास आती है, या आप ये कह सकते हैं कि मैंने ज़्यादातर काम फिजिशियन साइड पे किया है। तो मैं आपको फिजिशियन के जो प्रोसेस होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में आज मैं ओवरव्यू दूंगा स्टेप बाय स्टेप। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग मेरे चैनल के व्यूज वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 7। थैंक यू। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, पॉइंट वाइज मैंने इनको नंबर्स दे दिए हैं 1 से लेकर 12 तक। आप इसे देखिए और आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे किस तरीके से चलती हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स एंड स्केड्यूलिंग, दैट मीन्स के पेशेंट्स डॉक्टर के ऑफिस में कॉल करते हैं और अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। पेशेंट्स कॉल्स टू डॉक्टर्स ऑफिस एंड बुक अपॉइंटमेंट्स। इसमें क्या होता है कि पेशेंट कॉल सेंटर भी कह सकते हैं, ये ऑफिस जो कॉल सेंटर होता है, ये पेशेंट्स डॉक्टर के ऑफिस में भी हो सकता है, क्लिनिक में हो सकता है, या उसे इंडिया में भी सेटअप किया हो सकता है, या जो भी उसकी ऑफशोर कंपनी है वहाँ सेटअप किया हो सकता है। तो जो भी कॉल आती है, पेशेंट कॉल करता है और पूछता है कि आपके यहाँ पे ये जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, इसके पास मैं ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ, या मुझे इस डॉक्टर ने रेफर किया है, या अगर डॉक्टर आपका पीसीपी है पेशेंट के लिए, तो वो अपने पीसीपी से टाइम लेता है। तो जो भी अपॉइंटमेंट का टाइम अवेलेबल होता है, जो भी फोन पिक करता है कॉल सेंटर में, वो उस एक टाइम स्लॉट पेशेंट को अलॉट कर देता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि आपको इस डेट पे आना होगा। और पेशेंट अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आते हैं। यूएस में सभी पेशेंट्स को शेड्यूलिंग करवानी होती है और सब लोग अपने टाइम स्लॉट पर ही आते हैं। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं। उसके बाद जब अपॉइंटमेंट का टाइम आता है, तो पेशेंट फ्रंट डेस्क पे आते हैं, दैट मीन्स रिसेप्शन पे आते हैं, और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वह उसे पेशेंट दिखाते हैं और कंफर्म करते हैं कि मेरा इस डॉक्टर्स के साथ में अपॉइंटमेंट है। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग हो जाती है, जैसे इंश्योरेंस कार्ड उसका स्कैन कर लिया जाता है अगर उसके पास कोई, और अगर पेशेंट पहले से ही ऑलरेडी आता रहता है डॉक्टर के पास, तो उसका कोई नया इंश्योरेंस है तो पूछा जाता है, कहीं आपके पास कोई नया इंश्योरेंस है तो उसकी कॉपी दे दीजिए। उसकी आईडीज के लिए उसकी एक आईडी कार्ड साइन करवाया जाता है। कई बार कुछ कंसेंट फॉर्म्स होते हैं जो पेशेंट से इनिशियली साइन करवा लिए जाते हैं, जैसे कि हम आपको स्टेटमेंट्स भेजेंगे या आपके डॉक्यूमेंट्स हम क्या कहते हैं एक्सेस करेंगे। काफ़ी तरह के कंसेंट फॉर्म होते हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंगली, वो उनसे साइन कर लिए जाते हैं और वह सब पेशेंट के अकाउंट में स्कैन कर दिए जाते हैं। तो जो फ्यूचर में अभी कभी भी हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ से कोई भी डिपार्टमेंट वहाँ से चेक कर सकता है। इसके बाद पेशेंट की डेमोग्राफिक एंट्री की जाती है। ये डेमोग्राफिक एंट्री अपॉइंटमेंट के टाइम भी की जा सकती है, जब पेशेंट कॉल कर रहे हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है और पेशेंट का अकाउंट क्रिएट किया कर लिया जाता है। परंतु जब पेशेंट जब फ्रंट डेस्क पे होता है फिजिकली, तो उससे फिर अच्छी उसकी कई बार पिक्चर भी क्लिक कर ली जाती है उसी समय रिसेप्शन के ऊपर। वेबकैम से पेशेंट की एलिजिबिलिटी वहाँ चेक की जाती है कि पेशेंट जो इंश्योरेंस कार्ड दे रहा है वह उस इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उस कार्ड के ऊपर या उस पेशेंट के प्लान में कितना को पेमेंट अमाउंट है, को पेमेंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रंट डेस्क पे वो को पेमेंट अपफ्रंट ही कलेक्ट कर लिया जाता है। यूजली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज अपडेटेड एंड एलिजिबिलिटी कन्फर्म्ड, ये सब चीज़ें कर ली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर दैट मीन्स कि पेशेंट मिलता है डॉक्टर से। पेशेंट सीन बाय डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट कंसल्टेशन डन, डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट देता है। कुछ ट्रीटमेंट इस तरह के होते हैं कंसल्टेशन से सॉल्व हो जाते हैं, पेशेंट मेडिकेशन असाइन कर देता है, या कुछ माइनर प्रोसीजर्स भी होते हैं वह करता है। तो जब ये एनकाउंटर ओवर हो जाता है, दैट जो जो पेशेंट और डॉक्टर का जो भी बातचीत होती है, इसको एनकाउंटर कहा जाता है हमारे मेडिकल लाइन में।
नेक्स्ट स्टेप में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन स्क्राइबिंग। अब मैं आपको बताता हूँ, यूएस में जब भी डॉक्टर अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो वह जो भी ट्रीटमेंट चलता रहता है कॉन्वर्सेशन पेशेंट के साथ होती है उसे एक वॉइस फाइल में रिकॉर्डिंग ऑन रहती है। आप ये कह सकते हैं कि उनके पास एक माइक रहता है, वो रिकॉर्डिंग रहती है, जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं सब कुछ रिकॉर्ड होती है। क्योंकि अब उस समय डॉक्टर के लिए ट्रीटमेंट ये पॉसिबल नहीं है कि वो कंप्यूटर पर बैठ के टाइप करता रहे और साथ ही पेशेंट को देखता रहे, तो वो वॉइस फाइल में रिकॉर्ड करता है। या कई केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर के साथ में एक नर्स असाइंड होती है, नर्स डॉक्टर के बिहाफ पे ये सब काम करती है, डॉक्यूमेंटेशन टाइप करती है, डॉक्टर अपना वॉइस कमांड देते उसको वॉइस फाइल बनाता रहता है। तो अब एक प्रोसेस ये होता है, जब पेशेंट ट्रीटमेंट कर लेता है, हो जाता है पेशेंट का ट्रीटमेंट, उसके बाद उस वॉइस फाइल को सुनकर उसका एक मेडिकल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। उसके अंदर पेशेंट की नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, उस नेसेसरी इंफॉर्मेशन में पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट किया गया, पेशेंट डिजीज किस लिए आया था, किस डॉक्टर ने उसे रेफर किया, उसकी फिजिकल हिस्ट्री क्या है, उसका एग्जामिनेशन किया, उसके एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें निकली, उसका क्या प्लान किया गया है, क्या उसको दवाई रिकमेंड की गई है, उसे क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड किया गया है, और उसके डायग्नोसिस क्या है, प्रोसीजर क्या किया गया, सीपीटी को जिससे डिसाइड होता है, ये सब चीजें उस डॉक्यूमेंट के अंदर होती है। और ये बहुत ही कंपलसरी है, इसके बिना आप ये कह सकते हैं कि आप क्लेम बिल ही नहीं कर सकते। ये आपको आगे आने वाले पॉइंट पर चलेगा कि ये मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन या स्क्राइबिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। वह जो मेडिकल डॉक्यूमेंट जब बन जाता है तो वह मेडिकल कोडर को दे दिया जाता है, जो कि एक सर्टिफाइड कोडर से ही कोडिंग करवाई जाती है। जैसे कि जैसे मैंने भी एक सर्टिफिकेशन किया हुआ है मेडिकल कोडिंग का, सीपीसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर फ्रॉम एएपीसी, एक कोडिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से। तो सर्टिफाइड कोडर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उसे मेडिकल डॉक्यूमेंट को पढ़ना है और सीपीडी डायग्नोसिस निकालने हैं। तो वह मेडिकल डॉक्यूमेंट को पढ़ के उसमें से क्या ट्रीटमेंट हुआ है उसको सीपीटी उसको निकालता है, और क्या डिजीज थी उसके डायग्नोसिस निकालता है, और कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंगली वह मेडिकल सीपीटी कोड एंड डायग्नोसिस कोड कर मेडिकल बिलर्स को दे देता है। नेक्स्ट स्टेप में उस क्लेम की फाइलिंग होती है, दैट मींस कि जो सीपीटी कोड और डायग्नोसिस कोड बनाए हैं मेडिकल कोडर ने उनकी बिलिंग की जाती है, सुपर बिल में जो नॉर्मली की जाती है। सुपर बिल दैट मींस कि उसमें हो जाता है एक तरह से, कई डॉक्टर सुपर बिल यूज करते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन से भी पहले। वह डॉक्टर मार्किंग कर देते हैं कि मैंने ये सीपीटी की है और ये डायग्नोसिस थे पेशेंट को, तो उससे थोड़ा बिलिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। बट जो यूजुअल प्रोसेस में क्या होता है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसकी कोडिंग होती है, देन उसकी बिलिंग होती है। बिलिंग में सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि कुछ गाइडलाइंस हमारी ऐसी होती है वो इंश्योरेंस स्पेसिफिक होती है, तो इंश्योरेंस के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हमको बिलिंग करनी होती है। जब हम बिलिंग के क्लासेस करेंगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्लासिफिकेशन होती हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। वो आपके डॉक्टर या आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। क्लेम फाइल हो जाता है तो उसी के साथ में जो फ्रंट डेस्क पे जो कॉपीज वगैरह कलेक्ट किए गए होते हैं, कई केसेस में ऐसा होता है कि फ्रंट डेस्क पहले ही वो पेमेंट पोस्ट करता है पेशेंट अकाउंट में, वो क्रेडिट में आ जाती है। या यूजुअली क्या होता है कि अब वो कॉपीज जो भी पेशेंट के कैश या पेमेंट कलेक्ट होती है फ्रंट डेस्क पे, वो चार्ट पोस्टर्स को या कोपे पोस्टर्स को मिल जाती है, तो वो क्या करते हैं चार्जी के साथ में उस पेमेंट को भी अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि बाद में पेशेंट को स्टेटमेंट ना जाए, तो इसको अकाउंट में पेमेंट को एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद जब क्लेम फाइल हो जाता है, क्लेम की फाइलिंग की जाती है, उससे पहले एक बार ऑडिट किया जाता है कि हमने सभी कंप्लायंस को फॉलो किया है या नहीं किया है, हमने गाइडलाइंस को फॉलो किया है, क्लाइंट्स की गाइडलाइंस को, इंश्योरेंस की गाइडलाइंस को, जो मेडिकेयर की या किसी भी इंश्योरेंस की जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती है उनको फॉलो किया है या नहीं किया है। ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस लेवल पर, क्लेम इंस्पेक्शन के लेवल पर अगर कोई एरर कर देते हैं तो आपका डिनायल आना तय है। इसलिए यूजुअली क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बिलर्स होते हैं हमारे या कोडर्स होते हैं उनको ये क्यूसी ऑडिट का काम दिया जाता है, और वही इन क्लेम्स को अप्रूव करने के बाद सिस्टम से रिलीज करते हैं। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप मेडिकल बिलिंग में आए हैं तो हो सकता है बिगिनिंग में आप लोग को डेमोग्राफिक एंट्री, डेमोग्राफिक अपडेट करने में लगाया जाए या चार्ज पोस्टिंग में लगाया जाए, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका अच्छा फीडबैक आएगा सीनियर्स के पास में, तो आपको क्यूसी का काम भी दिया जा सकता है, जिसमें आपको ऑडिट करना होगा अदर बिलर्स की गलतियों को पकड़ना होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। इसके बाद क्या होता है कि जो क्लेम्स होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी की जाने से पहले एक तरह का आप इसको स्क्रबर कह लीजिए, क्लियरिंग हाउस के पास जाते हैं। क्लियरिंग हाउस हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर और इंश्योरेंस के बीच में एक स्क्रबर का काम करता है, जिसके पास अपने अलग ही एडिट्स होते हैं। जैसे कि
काफ़ी तरह के होते हैं कि आपको इस सीपीटी कोड के साथ ये मॉडिफायर लगाना नेसेसरी है, डायग्नोसिस का कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रहा है, इंश्योरेंस की आईडी आपने गलत ली है, ऐसे काफ़ी सारे चेक्स उनके पास होते हैं। वो मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा कि क्लियरिंग हाउस के ईडीआई एरर्स को कैसे ठीक किया जाता है, क्लियरिंग हाउस के ईडीआई करेक्शन को भी ठीक किया जाता है, जो माइनर मिस्टेक्स होती है उन्हें ठीक किया जाता है, और क्लेम्स के बाद क्लीन क्लेम भेजना हमारा मोटिव होता है। हम क्लेम्स को यहाँ से सबमिट करके इंश्योरेंस कंपनी को सेंड करने कर देते हैं। उसके बाद जब हम क्लेम फाइल कर देते हैं तो हमें कुछ दिनों तक वेट करना होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनियों का डिफरेंट टाइमलाइन होता है कि वो पेमेंट या डिनायल उस क्लेम का रिस्पांस कब देंगे। जैसे कि अब ये मान लीजिए कि मेडिकेयर 8 से 10 दिन में रिस्पांस दे देता है, या तो वो पेमेंट कर देगा या वो डिनायल भेज देगा। इसी तरह अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का अलग अलग प्रोसेस है, बट यूजली हम ये माना जाता है कि अगर क्लेम्स इलेक्ट्रॉनिकली गए हैं, मतलब पेपर पे नहीं गए हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू सिस्टम भेजे हैं, हमारे सिस्टम से इंश्योरेंस कंपनी के सिस्टम में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली बाय इंटरनेट, तो विद इन 3 डेज उनको मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी और आपका पैसा विद इन 30 डेज आपको रिसीव हो जाएगा। तो जो पेमेंट्स आती है, वो पेमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली बैंक में ट्रांसफर कर देती है और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस हमको इशू कर देती है, जिससे हमको वो मैच करके पेमेंट को पोस्ट करना होता है। और कुछ कंपनीज चेक के थ्रू पेमेंट देती है, हमें चेक इशू कर देती है डॉक्टर के एड्रेस पे। कुछ इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट कार्ड, एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है, तो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड से हमको अपने बैंक में ये प्रोसेस करना होता है पेमेंट। इन पेमेंट्स मोड्स के बारे में और ये पेमेंट्स कैसे पोस्ट की जाती है, इसके बारे में मैं पेमेंट्स के चैप्टर में आपको बताऊंगा डिटेल में। पेमेंट के साथ साथ हमें काफ़ी डिनायल्स भी रिसीव होते हैं, वो डिनायल्स हमें सिस्टम में पोस्ट करने होते हैं, और जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हमें रिसीव होती है हम इसको अपने एआर डिपार्टमेंट को सौंप देते हैं, जिससे कि वो रेजोल्यूशन उसके ऊपर कर सके, उसके ऊपर काम कर सके। जो डिनायल क्लेम है, डिनायल क्लेम्स के ऊपर स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, क्योंकि हमें इस पर सर्टेन है कि ये क्लेम डिनाय हो गया और जब तक हम इसे ठीक नहीं करेंगे इस पर पेमेंट नहीं आएगी। तो उसके बाद ये पेमेंट पोस्टिंग और डिनायल पोस्टिंग के बाद हम एआर फॉलोअप की तरफ चलते हैं। एआर फॉलोअप में दो तरह के काम होते हैं, एक तो जैसे कि हमने ऊपर बताया पेमेंट पोस्टर डिनायल्स जो होते हैं वो एआर को दे देते हैं, तो एआर का काम होता है उसे जल्दी से जल्दी क्लियर करना है। जैसे कि मेरे जहां मैं काम करता हूं वहां हमारा टारगेट रहता है कि हम डिनायल्स पे 24 आवर्स में रेजोल्यूशन कर दें, जिससे कि अभी फर्दर लेट ना हो उनकी पेमेंट आने में। और इसके अलावा कुछ क्लेम्स एजिंग में आ जाती हैं, दैट मींस कि हमने मैंने आपको ऊपर कहा था कि विद इन 30 डेज में हमें इंश्योरेंस से पेमेंट रिसीव हो जाती है, बट जिन क्लेम्स में 30 दिनों तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई पेमेंट नहीं आई या कोई डिनायल नहीं है, दैट मीन उनके अंदर कुछ इशू हो सकता है, तो उसके ऊपर तुरंत कॉल किया जाता है, यूजली 30 डेज के बाद किया जाता है, उसे हम कहते हैं एजिंग क्लेम्स। तो एआर डिपार्टमेंट का ये भी काम है जिन क्लेम्स की एज बढ़ रही है, जो एजिंग क्लेम्स हैं उनके ऊपर फॉलोअप करना, डिफरेंट वेबसाइट्स पर देखना या इंश्योरेंस कंपनीज को कॉल करके पता करना कि इन क्लेम्स का क्या हुआ, ये आपको मिले या नहीं मिले, या इनके अंदर कोई कमी है तो हम उसे दूर कर दें। सर्टेन इंश्योरेंस कंपनीज की टाइमली लिमिट्स होती है, टाइमली लिमिट दैट मीन्स कि अगर आपने उन इंश्योरेंस कंपनी से, एक कंपनी है मैं आपको बताऊँ यूनाइटेड हेल्थ केयर, उसकी 90 डेज की टाइमली फाइलिंग लिमिट है, अगर उसे 90 डेज के अंदर इंश्योरेंस डेट ऑफ सर्विस से 90 डेज के अंदर अगर क्लेम रिसीव नहीं हुआ तो वो उसको डिनाई कर देगी, बोले कि आपने बहुत लेट भेजा है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसको एडजस्ट करने के अलावा। इसलिए एजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एजिंग में हमें ये कंफर्म करना होता है एटलीस्ट इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम मिला है या नहीं मिला है और हम उसके ऊपर पेमेंट कलेक्ट कर सके या जो भी कमियों से दूर कर सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है हम लोगों के लिए हमारे प्रोसेस में। इसके बाद क्या होता है कि पेमेंट पोस्टर भी, जैसे अगर पेशेंट के पास एक ही इंश्योरेंस है तो कुछ बैलेंस बनता है, मैंने बताया था कोपे, को इंश्योरेंस, डिडक्टिबल्स वगैरह जो होंगे वह पेशेंट के ऊपर बिल चले जाएंगे, तो पेशेंट को स्टेटमेंट भेजी जाएगी उसके ऊपर। एआर की तरफ से कुछ क्लेम जा सकते हैं पेशेंट के ऊपर, जैसे कि इंश्योरेंस ने कहा कि ये कवरेज, पेशेंट के पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, जो एक इंश्योरेंस है वो इनएक्टिव है, या पेशेंट ने कुछ अपडेट कराना है, पेशेंट को ही इसको स्टेटमेंट भेजा जाता है उस केस में। तो हम यूजुअली ऐसा करते हैं कि मतलब एवरी 28 डेज या 30 डेज में पेशेंट को स्टेटमेंट भेजते रहते हैं, क्योंकि पेशेंट के बैलेंस अकाउंट में जमा होते रहते हैं, इस मंथ 50 है, अगले मंथ 100 हो सकता है, तो एवरी मंथ हम एक साइकिल होता है, उस साइकिल में पेशेंट को स्टेटमेंट्स लेटर भेजे जाते हैं, और अगर सर्टेन डेज के अंदर अगर पेशेंट पे नहीं करता है तो हम उनके बैलेंस को कलेक्शंस में भी भेज सकते हैं। US हेल्थ केयर में कलेक्शन उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारे यहाँ है, अगर हम क्रेडिट कार्ड सर्टेन अमाउंट तक क्रेडिट कार्ड के ड्यूज पे ना करें तो बैंक्स करता है, हमारे बैलेंस को कलेक्शन एजेंसीज को दे देता है।
तो डॉक्टर्स के पास भी राइट होता है कि सर्टन डेज के अंदर अगर पेशेंट से हम कुछ बैलेंस पेशेंट से लेना है और पेशेंट हमें नहीं दे रहा है तो हम उसके बैलेंस को कलेक्शन एजेंसी को सौंप देते हैं, तो फिर उसकी रिकवरी कलेक्शन एजेंसीज कराती है अपने अकॉर्डिंगली, जैसे भी उनके फॉलोअप जिस तरीके से वो कराना चाहते हैं वो उनके वहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स हैं वो उसको फॉलो करके कलेक्ट करवाते हैं, तो हम उसको एक तरह से सिस्टम में एडजस्ट कर देते हैं। तो पेशेंट बिलिंग, उसके बाद कलेक्शन, और दैट मीन्स अब कलेक्शन के बाद बैलेंस जीरो हो जाता है, देन अकाउंट जीरो हो जाता है। ये हमारा प्रोसेस है ओवरऑल। मैं आपको इसका दोबारा से ओवरव्यू दे देता हूँ। पेशेंट अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराता है, फ्रंट डेस्क पे कोपेज कलेक्ट होते हैं, स्कैनिंग होती है, उसके बाद पेशेंट का एनकाउंटर होता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, मेडिकल कोडिंग होती है, बिलिंग होती है, क्यूसी होती है, क्लेम सबमिशन, पेमेंट पोस्टिंग, अकाउंट रिसीवेबल, पेशेंट बिलिंग एंड देन कलेक्शन। यहाँ पे हमारा अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए या हो जाता है। तो मैंने एक तरह से आपको पूरे प्रोसेस की समरी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। आगे आने वाले वीडियोज में अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलने वाला हूँ, 0.1 to 14 तक मैं आपको एक एक प्रोसेस के बारे में एक एक वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा इन प्रोसेस के अंदर क्या होता है और किस तरीके से काम होता है। आपके किसी भी, जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा किसी भी टॉपिक के ऊपर, या जो मैंने आज वीडियो अपलोड किया इस टॉपिक के ऊपर, अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है या कुछ मिसिंग है या मैंने कुछ गलत बोला है तो आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइए, और उसमें बताइए कि आप और अपकमिंग कौन सी वीडियो चाहते हैं। मैं काफ़ी कमेंट देख रहा हूँ, मुझे मेरे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि वो लोग अकाउंट रिसीवेबल में डिनायल्स के ऊपर जानना चाहते हैं कि डिफरेंट डिनायल्स के ऊपर कैसे काम करें। तो एक बार मेरा ओवरव्यू कंप्लीट हो जाए, मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करूं, उसके बाद मैं स्पेसिफिक कैटेगरीज बनाऊंगा डिनायल्स की, पेमेंट पोस्टिंग के क्वेश्चंस की, एंड कोडिंग के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोडिंग के क्वेश्चंस के भी बनाऊंगा, जिससे कि आप लोग अब डिटेल में नॉलेज ले सकें और इस प्रोसेस में अगर आप अभी काम कर रहे हैं तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी जॉब में, करंट जॉब में। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो डालूँ, और जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे और मोटिवेशन मिलेगी जल्दी जल्दी वीडियो डालने का, और जिससे कि मैं आपका पूरा कंप्लीट कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म कर सकूँ। तो इस वीडियो में आपके लिए अब इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो की मैं तैयारी करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।